अब इस मुसीबत को तो छोड़ दे, खुदा का खौफ कर सलमान, कोई काम शुरू कर दे। माँ कितनी अच्छी तस्वीर आई है फरमा बी की, वाह वाह। क्या मतलब? अरे वो फरमा बी गई ना फवाद भाई के साथ इस्लामाबाद, देखे कितनी अच्छी अच्छी जगहों पर गई है, क्या सीनरी है, फरमा बी कितनी खुश लग रही है। शुक्र है खुदा का, फरवा को लेके फवाद घूमने तो गया, वरना इस सारा ने तो उसे जाने नहीं देना था। शुक्र है बला टली। अम्मा तुम ना बहुत बड़ी चीज हो, सारा आपी का ऐसा पत्ता काटा है कि फरवा आपी के ऐश ही ऐश। फरवा की तरफ से तो मैं बेफिक्र हो गई, बस तेरी तरफ से फिक्र लगी रहती है। मैंने क्या कर दिया? अब क्या किया मैंने? सलमान मुझे ये बता, काम कब शुरू करेगा? किसी को बताया नहीं, सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। मैंने ना अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक काम शुरू किया। अल्लाह, अब कौन सा काम शुरू कर दिया? देख भाई, बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रही हूँ, पैसे नहीं है मेरे पास, फिर से कहीं रफीक की तरह झांसे में नहीं आ जाना किसी के। गोली मारो उस रफीक को भाई, कुछ दिनों की बात है, जब होगा बता दूंगा, ठीक है? तो अभी क्यों नहीं बता सकता? अरे अम्मा बता दूंगा ना, सुबह सुबह ना कोई नाश्ते का पूछता ना खाने का पूछता है, बस बातें शुरू करती है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने फरवा को खुशियां नसीब की, बस अब इस निकम्मे पे भी थोड़ा सा कर्म कर दे। अपनी बीवी को अभी से लगाम दो, कल उसने बहुत बदतमीजी की है मेरे साथ। Sick of this topic. बताइए, आप बताइए मैं क्या करूं। सख्ती करो उसके साथ, और क्या करना तुमने? घर के बेटे का फर्ज बनता ना कि अपनी माँ की इज्जत करवाए। दो थप्पड़ लगाओगे ना, फौरन सीधी हो जाएगी। बस कर दे दादू, आप मेरी मम्मा की हर वक्त बुराई करती रहती हैं। लो सुन लो सुन लो, ये तरबियत की है उसने अपने बच्चों की। कल को ये भी उठ कर ना मेरे सामने इसी तरह बात करेंगे, इसीलिए कहती हूँ बेटा अभी से सख्ती करो। आपको मैंने हजार बार कहा है कि बच्चों के सामने ऐसी बातें मत किया करें, आपको समझ नहीं आती ना? नहीं समझ आती ना? इन पर असर नहीं पड़ेगा आपकी इन बातों का? वाह बेटा वाह, अब तुम भी अपनी माँ को इल्जाम दोगे। मेरी जिंदगी में बहुत टेंशन है, घर से बाहर ऑफिस की टेंशन है, घर आओ तो ये मसले। जामिन तुमने नाश्ता खत्म नहीं करना, तुमने स्कूल नहीं जाना, देर हो रही है मुझे। एक बात कहना चाहती हूं मैं, बड़े अपनी नफरतों में अगर बच्चों को ना इन्वॉल्व करें तो बेहतर होगा। क्या जरूरत है बच्चों के सामने में ये सब जहर उगलने की? और तुम जो अपने बच्चों की जिस तरह ग्रूमिंग कर रही हो वो क्या है? बस कर दें आप दोनों, बस कर दें। आप जैसी माएं होती हैं कि हर रोज घर को जहन्नुम बनाया होता है। उठो तुम, ये लो बच्चा, चलो ये लो बच्चा, बाय। वैसे बिल्कुल ठीक क्या की गया है वकार, आप जैसी माएं होती हैं जो घर का सुकून बर्बाद करके रख देती हैं। घर का सुकून तो तुमने बर्बाद कर रखा है जब से आई हो। तुम्हें भी इस घर से ना निकाला तो मेरा नाम नहीं। सारा Thank you.
मेरी ख्वाहिश है कि आप कभी मुझे सारा जैसी मोहब्बत दे, कि ऐसा कभी मुमकिन नहीं होगा कि आप मुझे सारा जैसी वो मोहब्बत दे, दिल में वो जगह दे जो सारा के लिए है। क्या कमी है मेरी मोहब्बत में? आज आपको बताना पड़ेगा फवाद, आपकी जिंदगी में मैं कहां खड़ी हूं। क्या कमी रह गई मेरी मोहब्बत और चाहत में कि मैं उसे कभी पूरा ही नहीं कर सकी? क्या कभी जिंदगी में आप मुझे सारा जैसा मकाम दे पाएंगे या नहीं, बताएं। सारा जैसा मकान, उस जैसी मोहब्बत, दिल में उस जैसी जगह ही क्यों चाहती हो? उससे अलग और मुख्तलिफ क्यों नहीं? क्या तुम उसे अपना राइवल समझती हो? मोहब्बत का जवाब अगर मोहब्बत से ना मिले तो मोहब्बत दम तोड़ देती है। तो ये बात भी ध्यान में रखो कि मोहब्बत में कंपैरिजन नहीं होता, ना ही गिव एंड टेक। अगर तुम सारा से कंपैरिजन में लगी रहोगी तो सारी जिंदगी डिस्टर्ब रहोगी। क्यों? इसलिए कि सारा जैसी मोहब्बत शायद तुम उम्र भर हासिल ना कर पाओ। अलबत्ता अपनी मोहब्बत और खुलूस से अपना अलग और मुनफरिद मकाम बना सकती हो। देखो, जिंदगी में कभी कोई किसी इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकता, कोई किसी जैसा नहीं बन सकता। या तो वो हमेशा उससे आगे रहता है या पीछे। रही बात सारा की मोहब्बत की, तो वो शायद कुदरत ने मेरे दिल में इतनी डाल दी है कि वो कभी किसी और के हिस्से में नहीं आएगी। ऐसी फजूल में आ गई आप दोनों के दरमियान, तो कभी कोई जगह बनती ही नहीं थी। ऐसे मत सोचो, ऐसी बातें सोचकर खुद को टॉर्चर मत करो। कई लोग शादियां करते हैं मगर आइडियल कपल वही कहलाते हैं जो जिन्हें कुदरत बहुत प्लानिंग से मिलाती है, उनके दिल में इतनी मोहब्बत डाल देती है कि वो दिल से नहीं रूह से मोहब्बत करते हैं। और शायद सारा से मेरी मोहब्बत ऐसी है। याद रखो, तुम सारा से मुख्तलिफ हो,
जैसी नहीं हो। अगर हमें भी कुदरत ने जिस तरह मिलाया और इस रिश्ते में बांधा है, इसे हमने ही निभाना। और ये चाहती हो ना तुम? आपको खोना नहीं चाहती। मोहब्बत मेरे लिए बहुत कीमती है, हर चीज से बढ़कर सब कुछ है मेरे लिए। तो बस फिर एक अच्छी बीवी की हैसियत से अपने तमाम फराइज को निभाओ और मेरे वो तमाम रिश्ते जो मेरे लिए बहुत अहम है उनसे बहुत मोहब्बत से पेश आओ। अम्मा जान, सारा, मारिया, सऊद, मैं उन्हें बहुत चाहता हूं। आपको कभी मायूस नहीं करूंगी। चलो, घर बन जाने की तैयारी करो।